नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समाचार कार्य हिंदी न्यूज चैनल में। और एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, अगर कोई सोशल बाइकॉटिंग करेगा तो सही नहीं है। कोई समाज में इस प्रकार से डॉक्टर, नर्स, पायलट, एविएशन स्टाफ का बाइकॉट करेगा तो उस पर होगी पुलिसिया कार्रवाई। जी हाँ, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह निर्देश जारी किए हैं। हर सब्जी मंडी व्यवस्था से जुड़ी कुछ दिक्कतों को देखते हुए सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम करने जा रही है हरियाणा सरकार। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में कर्फ्यू जैसी नौबत की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ की ग्राम पंचायतों ने लॉकडाउन किया, सोसाइटीज ने अपने इंतजाम किए, जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अभी स्टेज टू में वायरस के कैरियर को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाने का काम हो रहा है और कुल मिलाकर स्टेज टू, जिसमें एक से दूसरे में वायरस फैलता है, कैरियर के जरिए उस पर नियंत्रण जरूरी। कर्फ्यू की जरूरत नहीं, लोग खुद बहुत सावधान, जहां जरूरी वहां सख्ती होगी, यह कहना है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। सरकार की ओर से राशन, सब्जी, दूध आदि की सप्लाई पर नजर रखी जा रही है, व्यवस्था को सुचारू बनाने पर काम हो रहा है, लोगों की मूवमेंट की जरूरत को खत्म किया जाएगा, ये कहना है पूर्व जजपा सांसद व वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला का। जी हां, बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में कर्फ्यू जैसी किसी नौबत की अभी जरूरत नहीं है, यह कहा है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने।